गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सोलन के लक्कड़ बाजार स्थित भगवान गणपति जी की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। इसी दौरान एक भव्य शोभा यात्रा दुर्गा सेवा समिति लक्कड़ बाजार द्वारा सोलन में निकाली गई और गणपति बप्पा की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इसके बाद इस प्रतिमा को नदी में प्रवाहित किया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और समूचा क्षेत्र इस मौके पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। दुर्गा सेवा समिति के अध्यक्ष देवकी नंदन गुप्ता ने बताया कि बीते 6 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान गणपति बप्पा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सायंकाल पूजा आरती सहित भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा और इस वर्ष भी उसी उत्साह के साथ ये आयोजित किया जा रहा है, ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इसी में हमारी जितनी भी लक्कड़ बाजार आस पास की जनता है, भक्त हैं, वह पूरा सहयोग देते हैं, हम सभी का धन्यवाद ही हैं। कार्यक्रम इस प्रकार है कि अभी हम जहाँ से शोभा यात्रा के साथ मंदिर पहुँचेंगे, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना होगी, गणपति महाराज की स्थापना होगी और उसके उपरांत प्रतिदिन का कार्यक्रम होगा सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक और शाम को 7 से 8 बजे तक पूजा अर्चना होगी और प्रसाद वितरण होगा। सायंकालीन में भंडारे का आयोजन भी प्रतिदिन होता है। अंतिम दिन 7 तारीख को सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक पूजा और उसके उपरांत गणेश जी को भंडारे के उपरांत गणेश जी को विसर्जित करने के लिए श्री गंगा आरंभ होगी जो कि लगभग 4 बजे वहाँ पहुँचेगी। विसर्जन के बाद इसके लिए हम सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा सेवा समिति ऐसे ही काम करते रहे, आगे भी।